खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल सुबह से महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया वो अब तक शांत नहीं हुआ है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की शपथ से शुरू हुआ राजनीतिक तूफान अब तक शांत नहीं हो पाया है। देखिए महाराष्ट्र का हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। विपक्ष ने जल सुनवाई की बात की है और आज सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और शरद पवार की बैठक में 42 विधायक आए, 7 अभी भी संपर्क में हैं। और महाराष्ट्र का हर अपडेट आपके स्क्रीन पर, अभी भी अजित पवार समेत 5 विधायक बागी हैं। अजित पवार की विधायक दल के नेता के पद से छुट्टी कर दी गई है। अजीत से व्हिप जारी करने का अधिकार भी चला गया है, ले लिया गया है। एनसीपी के विधायक मुंबई की रेनेसा होटल में रुके हुए हैं। शिवसेना के विधायक मुंबई के होटल ललित में मौजूद है। सभी विधायकों को वहां पर रोका गया है। कांग्रेस विधायकों को जयपुर भेजा जाएगा। ये पूरा अपडेट महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त दोनों ही पार्टियां एनसीपी और शिवसेना ने अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में ले जाकर शिफ्ट किया ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके, तोड़फोड़ से बचा जा सके, क्योंकि अजित पवार दावा कर रहे थे कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं। और हालांकि जब वो पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तो उनके साथ वहां पर करीब 10 विधायक मौजूद थे, जिनमें से 6 लोग वापस लौट चुके हैं और अभी भी 4 विधायक अजीत पवार के साथ मौजूद हैं। ये लगातार हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का कल सुबह से लेकर अभी तक का। देखिए शरद पवार की बैठक में 42 विधायक आ गए और अभी भी अजीत पवार समेत 5 लोग बागी हैं एनसीपी से, यानी कि 4 विधायक और हैं अजीत पवार के साथ। अजीत पवार की विधायक दल के नेता के तौर पर छुट्टी कर दी गई है। अजीत पवार से व्हिप जारी करने का भी अधिकार ले लिया गया है। एनसीपी के सभी विधायक मुंबई के रेनेसा होटल में मौजूद हैं, उनको वहां रुकवाया गया है। शिवसेना के विधायक भी मुंबई के होटल ललित में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी अपने सभी विधायकों को टूट फूट से बचने के लिए जयपुर भेज रही है ताकि किसी भी तरह की कोई टूट फूट ना हो पाए। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार अपडेट हो रहा है, कल सुबह से हम देख रहे हैं। कल सुबह अचानक ये खबर आई कि मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के पद पर। कई तरह के कयास चले, लेकिन बाद में शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे और उसमें उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि इस तोड़फोड़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अजित पवार बागी हो गए हैं और ये पूरा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब कोशिश ये है दोनों ही पार्टियों की कि पहले किसी भी तरह से कोई विधायक ना टूटे और जो टूट कर गए हैं खासकर के एनसीपी के लिए उनको वापस लाया जाए। और शरद पवार इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं, लेकिन अभी भी अजित पवार समेत 5 विधायक बागी हैं। आनन फानन में विरोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनकी मांग है कि फ्लोर टेस्ट जल्द हो। विरोधियों को उम्मीद है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में होगा। आदरणीय साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में तीनों राजनीतिक दलों कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सांझी याचिका शाम को दायर की गई, जिसमें फौरी तौर से फ्लोर टेस्ट करवाकर एक नाजायज फडणवीस सरकार का कच्चा चिट्ठा खुल जाए, इसका हमने अनुरोध किया। कानून में भी फ्लोर टेस्ट करवाना अनिवार्य है और ये बगैर देरी हो। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में आज ये पिटीशन दायर किया गया। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश से रजिस्ट्री ने मंत्रणा की होगी अवश्य, और ये निर्णय किया गया है कि कल एतवार को 11:30 बजे देश की सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर सुनवाई करेगी। हमें ये विश्वास है कि प्रजातंत्र और जनादेश की विजय होगी, संविधान और कानून की विजय होगी। तो देखिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और सुबह 11:30 बजे उस पर सुनवाई होगी। और विपक्ष काफी आश्वस्त दिख रहा है क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से सब कुछ हुआ है वो गलत है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखने के बाद हमारे पक्ष में ही फैसला देगा। लेकिन बड़ा सवाल है, कल सुबह से जिस तरह से राजनीतिक डेवलपमेंट शुरू हुए हैं महाराष्ट्र में एक के बाद एक, कल जहां सभी अखबारों की हेडलाइंस थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, वहां 8:00 बजे पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदल गई। अचानक देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचते हैं, उनके साथ अजित पवार होते हैं और दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, अजित पवार साथ में मौजूद होते हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और उसके ठीक पहले 5:47 पर महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था, जिसके बाद यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। और उसके बाद
कयास ये लगने लगे कि कहीं ना कहीं शरद पवार का भी साथ अजीत पवार को होगा, क्योंकि अजीत पवार का जो राजनीतिक कद है वो अपने चाचा शरद पवार जितना बड़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कोई फैसला, पार्टी को तोड़ने का फैसला बिना उनकी मंजूरी के नहीं कर सकते। लेकिन शरद पवार ने पहले ट्वीट करके साफ कर दिया कि अजीत पवार बागी हो गए हैं, उन्होंने पार्टी तोड़ी है और ये उनका अपना निजी फैसला है। और उसके बाद वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही तमाम बातें कही और बाद में अपने ज्यादातर विधायकों को वो वापस लाने में कामयाब भी हो गए। आइए अब आपको बताते हैं कि कल सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ। सुबह 8:05 महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी नाटक की शुरुआत सुबह 8:05 पर हुई, जब अचानक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। उनके बाद एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी अजीत अनंतराव पवार गांधीपूर्वक करतो की। ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले, इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। ज्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है। पीएम मोदी और अमित शाह ने फडणवीस को सरकार बनाने की बधाई दे दी। इसके बाद बीजेपी में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी है और उन्हें बताए बगैर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है, जबकि अजीत पवार ने दावा किया उन्होंने 10 दिन पहले ही शरद पवार को बता दिया था। कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या और जनादेश का अपमान बताया। जब प्रधानमंत्री नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत के अंदर आइडियोलॉजी का, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, सत्ता का नंगा नाच है। सुबह 9:30 बीजेपी और अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने पर शिवसेना बिफर पड़ी। संजय राउत ने शरद पवार का बचाव किया, साथ ही बीजेपी और अजीत पवार पर हमला बोला। मैं थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नजरों से नजर मिलाकर नहीं बोल रहे थे। अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से दलबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। सुबह 9:55 महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि अजीत पवार ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी पेश कर दी है और बीजेपी के पास 170 विधायकों का समर्थन है। इसलिए आज सुबह 8:00 राजभवन में माननीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए है और यह सरकार महाराष्ट्र की जनता को स्थिर सरकार देगी। सुबह 10:30 शरद पवार ने सभी एनसीपी विधायकों को शाम 4:30 वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में बुलाया। सुबह 10:50 पर अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन देने के बाद एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि अजीत पवार की वजह से पार्टी और परिवार में विभाजन हो गया है, किस पर भरोसा किया जाए, जिसका बचाव किया उसने ही धोखा दिया। सुबह 11:00 एनसीपी की ओर से दावा किया गया कि अजीत पवार ने विधायकों की अटेंडेंस की चिट्ठी का इस्तेमाल राज्यपाल को दिखाने के लिए किया। जो हाजिरी के लिए हमने दस्तखत लिए थे, उस दस्तखत को लेकर राज्यपाल महोदय के पास दिया गया, जिसके आधार पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। दोपहर 12:00 उद्धव ठाकरे मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे, मीडिया से कोई बात नहीं की और अंदर चले गए। अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना नेताओं की बैठक शुरू हुई। दोपहर 12:15 महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अहमद पटेल से कहा कि ये पूरा खेल शरद पवार का है, जो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रचा है। इसके बाद कांग्रेस नेता वहां से निकल गए। दोपहर 12:35 एनसीपी और शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे 3 एनसीपी विधायकों को पेश किया गया। शरद पवार ने दावा किया कि 10-12 विधायक अजीत पवार के साथ हैं और फडणवीस सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। सीधी बात है, एक बार ये मेजोरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है
पूरा होने के बाद एक्चुअल सिटी सर्कल बनेंगे, सर्कल बनाने में कोई दो राय नहीं, सर्कल हम बनाएंगे, बना सकते हैं, वो नंबर हमारे पास है। वहीं शरद पवार के बगल में बैठे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि महाराष्ट्र की जनता पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और वो सब देख रही है। जरूर काही पाकिस्तान वरती सर्जिकल स्ट्राइक करावा, तसा हा सर्जिकल स्ट्राइक महाराष्ट्र वरती, शिवरायांच्या महाराष्ट्र वरती केला गेलेला आहे आणि याचा सूट हा महाराष्ट्र घेतल्याशिवाय राहणार नाही। दोपहर 1:40 में हम तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होके हमारे पूरे प्रयास होंगे, इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। मुंबई में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहमद पटेल ने बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना साथ हैं और मिलकर सरकार बनाएंगे। दोपहर 2 बजे खासतौर पे मोदी और अमित शाह की तरफ से चले तो उनको शिकस्त देना बहुत ही जरूरी है, उसमें पराजित करना इनको बहुत ही जरूरी है, तो ऐसे हालात में हम सब एकत्रित है, मनोबल मजबूत रखे। अहमद पटेल ने मुंबई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, इस दौरान पटेल ने विधायकों से कहा कि 30 नवंबर तक डटे रहना है क्योंकि लड़ाई मोदी और शाह के खिलाफ है। दोपहर 3 बजे दिल्ली में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रसाद ने दावा किया कि बीजेपी के पास जनादेश था जबकि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन के साझेदार को धोखा दिया। शाम 3:50 एनसीपी नेता सुनील तटकरे और दिलीप वल से बागी अजीत पवार को मनाने के लिए पहुंचे, 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद भी अजीत पवार नहीं माने। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और विनोद तावड़े समेत बड़े बीजेपी नेता मुंबई में पार्टी ऑफिस पहुंचे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार बनने का जश्न मनाया गया। शाम 4:30 YB चौहान ऑडिटोरियम में एनसीपी विधायकों की बैठक शुरू, यहां एक के बाद एक 42 विधायक पहुंचे। एनसीपी का दावा 7 और विधायक उनके संपर्क में जबकि अजीत पवार समेत सिर्फ 5 विधायक बाकी हैं। शाम 4:40 उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों के साथ बैठक के लिए होटल ललित पहुंचे, विधायकों से कहा सरकार हमारी ही बनेगी। शाम 5:25 बीड से एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे विधायकों की बैठक में पहुंचे, धनंजय अजीत पवार के खास माने जा रहे थे। शाम 5:45 शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे विधायकों से बैठक के बाद होटल ललित से बाहर निकले। शाम 6:15 महाराष्ट्र के दिग्गज बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली एयरपोर्ट से निकले और विक्ट्री साइन दिखाकर कहा कि सरकार बन चुकी है। शाम 6:50 महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली पहुंचे। शाम 7:50 अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल के नेता पद से हटाने का ऐलान कर दिया गया, दिलीप वलसे पाटिल को नया नेता चुना गया। रात 8:50 YB चौहान सेंटर में चल रही एनसीपी विधायकों की बैठक खत्म हो गई, जिसके बाद विधायकों को बस में बिठाकर होटल रेनेसों भेजने की तैयारी शुरू हो गई। एनसीपी नेताओं ने दावा किया है कि 2-4 विधायकों को छोड़कर सभी विधायक शरद पवार के ही साथ हैं। अजीत पवार जी को विधिमंडल पार्टी के नेता पद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है कि हमारे विधायक 5 विधायक हमारे संपर्क में अभी नहीं है, 6 विधायक पहुंचने वाले हैं, बाकी सारे विधायक पहुंच गए हैं। रात 9 बजे दिल्ली में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना पक्ष की ओर से ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को छुट्टी होने के बावजूद महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। एक नाजायज फडणवीस सरकार का कच्चा चिट्ठा खुल जाए, इसका हमने अनुरोध किया। कानून में भी फ्लोर टेस्ट करवाना अनिवार्य है और ये बगैर देरी हो। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में आज ये पिटीशन दायर किया गया। कल एतवार को 11:30 देश की सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर सुनवाई करेगी। रात 11:00 एनसीपी के सभी विधायक होटल रेनेसों पहुंच गए, यहां बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक भी जमा हो गए। शरद पवार ने आज यहीं पर पार्टी के सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। रात 11:45 अजीत पवार अपने भाई श्रीनिवास पवार के घर से गाड़ी से किसी खुफिया जगह जाने के लिए निकले। खबरों के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेता गिरीश महाजन और विनोद तावड़े के साथ वकीलों से मुलाकात की। इस मुलाकात में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर औपचारिकताओं को पूरा किया गया।
तो सिलसिलेवार ढंग से आपने देखा कि क्या कुछ हुआ कल पूरे दिन भर।